हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम मैथ्स में आपको व्हाट कम्स आफ्टर करवाएंगे। आप बच्चों ने 100 तक काउंटिंग की हुई है। कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। पता है ना बच्चों आपको काउंटिंग? जैसे 2 4 24, 24 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? एकदम 25। तो आप इजली बता सकते हो। तो इस तरह से ये नोटबुक में मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। इन्हीं नंबर्स के बाद क्या आना है वो आपको लिखना है। 32 के बाद क्या आएगा? 33। वेरी गुड, आपने मेरे से पहले ही बता दिया, बहुत अच्छे। 39, 39। इसके बाद क्या आएगा? 40, 40। गुड। 42, 42 के बाद 43, 43। कितना इजी है ना? आफ्टर वाला बहुत इजी होता है, बच्चे जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि काउंटिंग बोलते हैं ना, 1 के बाद 2, 2 फिर उसके बाद 3, 3 के बाद 4। इसी तरह से आप कोई भी नंबर पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या आता है वो आप जल्दी से, बिफोर वाला थोड़ा आप सोचते हैं। 48, 48 के बाद 49, 49, क्योंकि सिंपल काउंटिंग हम चला रहे हैं। 4 5, 5 4, 54। उसके बाद क्या आएगा? 5 5, 55। अब हम इसे 63 नहीं बोलेंगे, ऐसे आगे नंबर कोई भी डायरेक्ट बोलना है 63। तब भी समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? तो इसके बाद क्या आएगा? 64, 70, 70 के बाद 71, 75। इसके बाद क्या आएगा? 76, 86। इसके बाद 87, 92। इसके बाद 93। आपने दोनों तरह से काउंटिंग बोलनी है। 24, 32, 39, 42, 48, 54, 63, 70, 75, 86, 92। ये नंबर्स मैंने लिखे हैं नोटबुक में। आप भी अपनी नोटबुक में इस तरह से नंबर लिखेंगे, और जो ये डैश डाला है, अंडरलाइन किया है, इसके ऊपर आप इस तरह से लिखेंगे। 24 के बाद क्या आएगा? 25। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।